हेलो दोस्तों, हमने पार्ट वन में देखा कि यूरोपियंस ने समुद्र मार्ग के व्यापार के जरिए केप ऑफ गुड होप पर शहर बसाया और स्थानीय खोई-खोई जनजाति से संघर्ष किया। आपने वो वीडियो ना देखा हो तो जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम अफ्रीका में ब्रिटिश शासन और अफ्रीकन लोगों की संघर्ष की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 1800 में केपटाउन काफी विकसित शहर हो गया था। अब अंग्रेज हुकूमत की नजर केपटाउन पर आ गई थी। अंग्रेज हुकूमत ने केपटाउन को कब्जे कर लिया था। 1860 में ब्रिटिश ने बोर्स को प्रतिबंध कर दिया था। केपटाउन हाथ से जाने से डच साम्राज्य खुश नहीं था और साथ ही 1200 से ज्यादा बोर्स को काम न मिलने से उनकी हालत खराब हो गई थी। धीरे धीरे बोर्स केपटाउन छोड़कर ड्रेकन्सबर्ग पर्वत के पास बसने लगे और वहाँ ओरेंज फ्री, नटालिया, ट्रांसवाल नाम की जगह बसाई। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत पर जुलू नाम की जनजाति की बस्ती थी। बोअर्स का वह कब्जा देखकर 1815 से 1840 तक संघर्ष रहा, मगर बोअर्स डच के साथ काम कर रहे थे, इसलिए उनको राइफल और दूसरे हथियार चलाना सीख लिया था, जिस कारण जुलू जनजाति को समर्पण करना पड़ा और संधि की तरह जुलू जनजाति उत्तर की ओर स्थानांतरित हो गयी। संघर्ष के खत्म होने के बाद 1838 में नटालिया और 1852 में ट्रांसवाल को स्वतंत्र बोअर्स गणराज्य बना दिया गया। और सबने स्वतंत्रता की खुशी मना ही रहे थे, मगर उनकी खुशी पर अब ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कार्नवाल की नजर लग गई। 1877 में लॉर्ड कार्नवाल ने ट्रांसवाल पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश हुकूमत के हुए इस कब्जे से बोअर्स में विवाद शुरू हुआ और वो विवाद इतना बड़ा कि 1880 में लगभग 10,000 बोअर्स इकट्ठे हुए, जिसका नेतृत्व डच पॉल क्रूगर और पीट जोबर्ट ने किया। लोगों के बीच फूट के इस गुस्से ने 1880 में अंग्रेज और बोअर्स के बीच युद्ध का रूप लिया। लंबे समय से इस पहाड़ पर रहने वाले बोअर्स और डच के साथ राइफल चलाने वाले बोअर्स ने युद्ध को जीत लिया, जिसका मजूबा में समर्पण हुआ। अब तक सब कुछ गांव या शहर पर कब्जा कर शासन के लिए युद्ध हो रहा था, मगर अब एक नया मोड़ आया। 1886 में जोसनबर्ग के पास सोने की खदान मिली, जिससे बोअर्स को फायदा हुआ। बोअर्स में विकास काफी तेजी से होने लगा। अब वो इतने सक्षम हो गए कि मोजाम्बिक बंदरगाह से व्यापार कर रहे थे। बोअर्स का यह व्यापार अंग्रेजों को रास नहीं आया। उनको डर सताने लगा कि बोअर्स उनको अफ्रीका से निकाल देंगे, इसलिए अब 1899 में पहली हार से सीख लेकर 4,00,000 सैनिकों के साथ बोअर्स पर युद्ध किया। 1902 में बोअर्स ने आत्मसमर्पण कर लिया। बोअर्स के आत्मसमर्पण के बाद अब सारी सत्ता अंग्रेज हुकूमत के पास आ गई थी। ट्रांसवाल, नटालिया, ओरेंज फ्री स्टेट को 1910 में एकीकृत शासन में लाया गया। इस शासन में अब रंग भेद का मुद्दा आने लगा था। काले लोगों को धीरे धीरे अलगाव किए जाने लगा था और साथ ही उनको अधिकार से वंचित किया जाने लगा था। 19वीं सदी में साउथ अफ्रीका का काफी विकास हुआ, जिस कारण से विदेशी प्रजा भी बसने लगी थी, जिसमें भारतीयों भी थे, मगर उनके साथ रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। इसी रंग भेद को हटाने साउथ अफ्रीका में एक ऐसे क्रांतिकारी का जन्म हुआ, जिसने साउथ अफ्रीका को स्वतंत्र करने के लिए पूरा जीवन दे दिया। वो थे नेल्सन मंडेला। हम अगले पार्ट में नेल्सन मंडेला के कार्य के बारे में जानेंगे। आप कमेंट कीजिए अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।